सभी को बहुत प्यार भरा राम राम मेरी तरफ से। नए दिन की शुरुआत, नई तारीख, आज है 28 तारीख। डेट मेंशन कर दिया करूँगा नीचे, आज से व्लॉग नंबर भी मेंशन कर दिया करूँगा, क्योंकि मुझे भी याद रहे कौन सा व्लॉग जा रहा है, कितने नंबर का व्लॉग जा रहा है। आज 28 तारीख है, चंद्र ग्रहण भी है, पूजा करी नहीं, बाहर से दर्शन कर लिए। अगर कोई तिलक का सवाल है तो भैया हमारा इसके बिना दिल नहीं निकलता, दिन नहीं निकलता, हमारा श्रृंगार है समझ लो। तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि रात को 12 बजे आया था और जिम भी नहीं गए, आज भी नहीं गए, कल भी नहीं गए, कल वैसे ही नहीं जा पाएंगे, संडे है। सोनम की भी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, मेरे ख्याल से वायरल वाला सिस्टम चल रहा है, वायरल चल रहा है सारा। मैं तो इनको कह रहा था ब्रेकफास्ट रहने दो, ब्रेड ही दे दो, बट नहीं, कहते कुछ हैवी खा जाओ। बस वही है, एक चक्री है जो चलती जा रही है, जिसका जो काम है उसने वो करना ही करना है, इससे पीछे हटोगे तो आपके लिए ही बुरा है। बाकी कोई नहीं, अभी जाते हैं, पहले मेडिसिन लूँगा ब्रेकफास्ट के बाद, थोड़ा फैक्ट्री का काम निपटा के दुकान पे भी जाना है, और बस बाकी चल रही है। देखते हैं आज क्या शूट कर पाते हैं, आपको क्या दिखा पाते हैं। अभी बच्चे तो सादगी उठ गई है, कार्तिक महाराज सो रहे हैं, हमारे छुट्टी है स्कूल की, उनकी भी फ़ोन आ रहा है फोन, कार्तिक की, बच्चों की तो सबकी स्कूल की छुट्टी है। बस ब्रेकफास्ट करते हैं, मेडिसिन लाते हैं, सोनम को भी मेडिसिन लेके दूँगा, इनकी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जी, कार्तिक महाराज तो सो रहे हैं आराम से, राम राम बेटा, सो जा। चलो मैं तो निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, ऑफिस नहीं फैक्ट्री, उसके बाद आके देखते हैं, सोनम को दवाई ला के देते हैं या मेडिसिन दे दो इनको। फैक्ट्री पहुँच रहे हैं, बस निकल जाओ घर से, फटाफट फैक्ट्री का काम निपटाता हूँ। सोनम को बोल दिया ब्रेकफास्ट कर लो, तैयार हो जाओ, मेडिसिन ला के देता हूँ इनको मैं ना। रिद्धि का भी कान दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम मौसम ही ऐसा है, क्या है भगवान जाने, पर है, क्योंकि मैं अभी इंडेक्स चेक कर रहा था तो सुबह बहुत ख़राब बता रहा था, सुबह 5 बजे उठा था मैं, रात को सो ही नहीं पाया, बस वही है, दोबारा सुबह उठे फिर निकलने पड़ गया। बाकी जाता हूँ अभी इनको मेडिसिन वगैरह ला देता हूँ। चलो भाई निकल चुके हैं, बीमार लोग अपनी अपनी दवाई लेने, सबसे बड़ा बीमार ये है हमारे घर में, वह ठीक है, ठीक हो जाओगे यार। थोड़ा क्या मौसम चेंज हो रहा है ना, तभी थोड़ा ऐसे हो रहा है, सभी को हो रहा है वायरल, ये मुझे लग रहा है भाई। टेक केयर सभी लोग, ठीक है जी। अब जाते हैं मेडिसिन लेके देते हैं इनको, फिर चलते हैं शोरूम, फैक्ट्री का काम तो निपटा आया हूँ। बोलो जय सिया राम, जय सिया। कीड़ा यार हमारे में कुछ, पर अच्छा कीड़ा। वही दवाई आ गई है, तेरी भी दवाई ले आया हूँ, तेरे लिए इंजेक्शन भेजा उन्होंने, मम्मी तेरे को इंजेक्शन लगा देगी। कार्तिक उठा, लाइट जलाइए। राम राम। ओए तू इतनी लेट कैसे सोया, तू इतना उठा है, इतनी लेट उठता कोई? जाते उठा मैं। अभी अभी उठा है? हाँ। दीदी मैं दवाई ले आया। चलो ठीक है जी, मेडिसिन वगैरह तो खा ली, अब सीधा निकलते हैं शोरूम। बच्चे भी सारे लो फील कर रहे हैं आज तो, मौसम ही ऐसा है। अब देखते हैं और क्या शूट होता है दुकान पे जाके। भाई साहब अभी बहुत जाम से ना, पीछे अभी बहुत जाम से लड़के आ रहा हूँ, बहुत भयंकर जाम लगा हुआ था, चेक करो। मैं तो फ्लाईओवर के ऊपर आ गया हूँ तो ये हाल है, बहुत जाम लगा हुआ था यार। भाई साहब हमेशा की तरह वही रोना, दुकान पे जाके शूट नहीं कर पाया कुछ भी, क्योंकि दुकान पे जाके वैसे ही बड़ा बिजी हो जाता हूँ, और सोनम का फ़ोन आया था मार्केट जाने के लिए, तिलानगर कुछ काम निपटाने थे, वो भी नहीं हो पाया, वो अलग क्लेश है। अभी तो वो गए हुए हैं पार्लर अपना तैयार होने के लिए, तैयार नहीं मतलब डेंटिंग पेंटिंग के लिए। बाकी अब घर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिपोर्ट है। सॉरी यार, दिल्ली में ना जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है यार, मैंने नोटिस करा है, सबको ही पता होगा। वैसे अभी भी महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ तो दिक्कत होती है, वैसे दिक्कत नहीं, मतलब फील हो रहा है कि कैसे बताऊँ क्या फील हो रहा है। लगता है मास्क लगा के चलना पड़ेगा। बाकी जा रहा हूँ अब घर, देखता हूँ क्या तमाशा होना है। बापू और मैं साथ साथ, जेम्स बॉन्ड, अलग अलग इसलिए जाते हैं क्योंकि पापा सुबह 9 बजे चले जाते हैं शोरूम, मैं जाता हूँ फैक्ट्री का काम निपटा के, मतलब 12-1 बज जाता है, मैक्सिमम 2 बज जाते हैं, इसलिए पापा अपनी बाइक पे आते हैं, सुपरमैन। कपड़े उतार तो नहीं,
क्या बोल रहा है? मैं कपड़े उतार रहा हूँ। गर्मी में इसको गर्मी लग रही है। बात सुनी जरा पहले मेरी। नहीं क्या हुआ तेरे को? ये क्यों उतार रही है? मन कर रहा था। मन कर रहा था? तेरे को मुर्गा बना दूँ? चल पहन ले। घर आ गए भाई, फ्रेश फ्रेश हो गए हम, अपना सारा चेंजिंग कर लिया है, बट रोटी का कुछ आता पता नहीं है, क्योंकि मैडम गई है डेंटिंग पेंटिंग कराने अपना। हाय पापा। हेलो बेबी। अब खाना देखता हूँ, जिससे ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते थे वो तो भाई साहब मेरे ख्याल से दशहरे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसका स्विच हो जा रहा है शायद, बंद कर दिया उसने। और वैसे भी एक्सपीरियंस है जिस रेस्टोरेंट का, जिसका खाना थोड़ा अच्छा लगने लगा था पता नहीं वो बंद ही कर देता है यार, पता नहीं खाना बंद कर देगा उसके वहाँ से। बाकी ये सर्दियों में देख लो कार्तिक महाराज। ओए तेरे को ठंडी लग रही है? बॉडी बिल्डर है तू? हाँ। सुपरमैन है? हाँ। चल बॉडी तो दिखा दे सबको फिर ऐसे करके, नहीं मेरी तरफ करके, मेरी तरफ मेरी। वो तेरी कांकड़ी पहलवान, वो तेरी क्या मत दादी भाई, हड्डी भी आएगा, हड्डी भी आ गई यार, मसल तो आई नहीं तेरी। बाकी सोन आते हैं, अब देखता हूँ कुछ तो खाना पड़ेगा भाई, है ना भाई? खाना खाते हैं। बाकी ब्लॉग आज ज़्यादा शूट नहीं हो पाया हर बार की तरह, पर कोशिश पे जारी है, ठीक है? बाकी अब थोड़ा टीवी शीवी देखते हैं, कुछ हमारे फेवरेट ब्लॉगर्स को देखते हैं, हम तो अभी किसी के फेवरेट है नहीं। बाकी देखते हैं, जय सियाराम। खाना खुना खा लिया जी, रोज की रूटीन बस। सोनम जी ये रहो, पहले आपको दिखाएं, इनकी डेंटिंग बेंडिंग हुई है आज फेस की। इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, दो दिन बाद ग्लो पता चलेगा। करवा चौथ से पहले की जो तैयारी होती है ना, ये वो है, वो है। चलो ठीक है, तबीयत वैसे इनकी बहुत खराब है, पर राम आया कुछ? थोड़ा राम लग रहा था तभी तो गई हूँ पार्लर, वरना जाती ना। वो मेरे को भी बच गया ना, मैं मार्केट जाने के लिए आ नहीं पाया, फिर वही करना था इन्होंने। मैं चलो पार्लर का काम तो निपटाओ अपना, बाकी अभी एक राउंड मार के आ रहे हैं। जितनी मर्जी थकावट हो खाना खाओ, वाइफ के साथ एक राउंड मार के आना। बहुत से दिन की जो बातें होती है ना चुगलियों वाली, वो सब निकल जाती है। नहीं सुन, सही कह रहा हूँ, जो लेडीज को चुगली करनी होती है वो भी हो जाती है, पूरे दिन की चुगलियाँ करेगी अभी ये। ठीक है बाकी चलते हैं। आज रिद्धि कहती है राउंड लगा आए हैं, सारी चुगली हो गई है, पेट अब सही है, पेट गैस सही है तुम्हारी चुगली करने का। सादगी रिद्धि पता नहीं कौन से नाम की मिठाई निकाली, गुपचुप, पापा ये खानी है। मैं कहा भाई मैंने पहली बार नाम सुना है, फिर गूगल से फ़ोटो निकाली बकायदा, कहती पापा प्लीज़ ला दो, मैं अब कल लेके दूंगा बेटा तेरे को। जब कल हम लाएंगे तो आपको दिखाएंगे गुपचुप मिठाई है कौन सी, कौन सी। हमने तो हर चीज़ खाई है पर ये गुपचुप, गुपचुप नहीं खाई। और फिर अब कभी नाम भी याद ना तो ये याद रखना, गाना आता ना गुपचुप गुपचुप वाला गाना याद, गुपचुप गुपचुप डांस करके दिखा रहे सारे गुपचुप गुपचुप। तो ठीक है यार, अब सारा हो गया, अब वीडियो एडिट भी करनी है, और अब तो शिवरात्रि होने वाली है। और ये देखो हमारे शक्ल इन्होंने छुपा दी है, इसको हम मिनी जिराफ कहते हैं या एयरटेल का टावर कहते हैं। इधर आ दीदी, अभी से नाम पूछ रहा हूँ, कौन सी है मिठाई का नाम? क्या नाम था उसका? गुपचुप। चलो ठीक है यार, इस ब्लॉग का ये एंड करता हूँ, आज का दिन पूरा निकल गया जी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो कि तुम नहीं करते फिर भी अपन कह देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।